आप सबका गोपाल आजू का नमन। आज मदन भैया जी से मिले। एक चर्चित नाम राजनीति में, कई बार विधायक रह चुके और बड़े चर्चित, बड़े जावली से, खेकड़ा से चर्चित विधायक रह चुके। मैं कुछ ऐसी बातें पूछने जा रहा हूँ आज इनसे जो हमारे यूथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे ग्रामीण क्षेत्र से भी जुड़े रहे, शहर से भी जुड़े रहे, तो इनको सारा सब मालूम है इनके कि लड़कों को क्या रिक्वायर्ड है। मैं आपसे समय नहीं वेस्ट करूंगा क्योंकि आपका समय बड़ा कीमती है। सिर्फ ये जानना चाहूंगा कि जो लड़कों में जो भावना पैदा हो रही है, आप देख रहे हैं जो यंग जनरेशन है, खेती से भाग रहे हैं लड़के, उसका कारण क्या है कि वो देखते हैं कि खेत को अगर वो बेच देंगे तो एक खेत को बेच के उनको 2 करोड़ मिल जाएंगे, अगर वो खेती करेंगे तो उनको 100, 200, 500 हज़ार रुपये मिलेंगे। तो ये भावना एक छोटे छोटे बच्चों में पैदा होती जा रही है, तो ये आप का कहीं ऐसा नहीं लगता कि अगर मान लीजिए इस तरह करने लगे, हरियाली सारी खत्म होने लगी, तो आगे सेनेरियो क्या होगा, आगे आगे जगह 5, 10, 20 साल, 30 साल बाद, इसके विषय में आप क्या कहेंगे कि इनका पलायन किस तरीके से रोका जाए बच्चों का? निश्चित रूप से गंभीर समस्या है और इस समस्या का मूल कारण है हम ग्राम स्वराज की प्राचीन अवधारणा से बहुत दूर चले गए हैं। पुरातन ग्राम स्वराज की अवधारणा आधुनिक परिवेश में भी उतनी ही सक्षम है, क्योंकि पहले एक गांव भर पूरा अपने आप में आत्मनिर्भर होता था। उसमें नाई, लोहार, बढ़ई सभी लोग होते थे और वो एक दूसरे से पूरक होते थे और उन्हें रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता था। आज हम इस अवधारणा से दूर हो गए हैं। आज हर व्यक्ति नौकरी चाहता है। तो मेरा मानना यह है कि अगर हम प्राचीन अवधारणा के साथ साथ आधुनिक रूप से कृषि को रोजगार में ढालने का प्रयास करेंगे तो हम अवश्य सफल होंगे और इसको पलायन को हम रोक नहीं, पाएंगे। आधुनिक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर आदमी की, बच्चे की टेंडेंसी, व्हाइट कॉलर टेंडेंसी है आदमी की, बच्चे की, वो खेत में क्यों अपने हाथ काले करना चाहेगा? हर आदमी चाहता है कि वो भी, उसके भी लग्जरीज हो, उसके पास भी वाहन हो, उसके पास भी अच्छे कपड़े हो, उसके पास भी एक अच्छा मकान हो रहने के लिए, तो गांव के फिर उस माहौल में वो रहना क्यों पसंद करेगा? हमारा तो ये उद्देश्य ना, क्योंकि बच्चों में जब तक इस टाइप से लालच पैदा नहीं किया जाए, देखिए आप तो देखते रहते होंगे, आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत बहुत हाईली एजुकेटेड हैं और बहुत ही अच्छी सैलरी पा रहे थे, वो लोग आए और आने के बाद में उन्होंने गांव में खेती डाली और खेती को उन्होंने, आप देखिए, उसकी ऑर्गेनिक खेती पैदा करी उन्होंने, मॉडर्न तरीके अडॉप्ट करे। तो ये इसको मतलब बच्चों में लालच पैदा करना है कि तुम्हें खेती में रह के बहुत कुछ मिल सकता है। जब तक ये भावना पैदा नहीं होगी तो हमें तो एक पॉइंट ये बताइए कि बच्चों में ये भावना कैसे डेवलप करी जाए? देखिए, बच्चों में भावना डेवलप के लिए सबसे पहले सरकारों को आगे आना होगा। सरकारें अपने खर्चे से, अपने पैसे से ग्रामों में जमीनें खरीदें जिसमें गोचर, हरित पट्टी एवं तालाब तीनों हो, और उनको जो किसान नए नए प्रोडक्ट पैदा कर रहे हैं उनका समर्थन पूर्ण 100% उन्हें दे। नहीं तो अभी कहाँ हो, देखिए हरियाली पट्टी के नाम से आपको पता है सब आरसीसी के जंगल बन रहे हैं, खेत जो आपके थे वो देख रहे हैं कम हो रहे हैं धीरे धीरे, जो आपके तालाब थे जिसमें छोटे छोटे से जो एक जो लघु उद्योग छोटे छोटे चलाए जाते थे, तालाब नाम की चीजें गांव में खत्म होती जा रही हैं, तो ये धीरे धीरे अगर खत्म हो गया तो फिर क्या होगा? हमें तो चिंता इस चीज की हो रही है कि आगे आने वाले समय में क्या होगा, हरियाली खत्म अगर होती चली गई। वही हम कह रहे हैं ना, सरकारों को आगे आने पड़ेगा। इसने किसने जो जुर्म कर दिया, जी हम उस लकीर को पीटने के मतलब बजाय अब इसको जो अब करें, हाँ सरकारों को जमीनें अपने खर्चे से ग्राम वाइज खरीदनी होगी जी जिसमें गोचर, हरित पट्टी प्लस तालाब हो जी और प्लस नए युवा वर्ग को प्रोत्साहित किया जाए, सब्सिडी दी जाए कि आपका मतलब जो भी आप प्रोडक्ट पैदा करेंगे, चाहे मशरूम हो, चाहे मतलब बीन्स हो, छोटे चाहे कुक्कुट पालन है, कुक्कुट पालन है, उसको कोई खरीदे ना खरीदे सरकार जरूर समर्थन मूल्य पे नहीं, खरीदेगी। बहुत अच्छा सुझाव। जो और बताइए, पहले आपको तो याद होगा एक भूमिदान वाला था, है ना, आपका एक विनोबा भावे ने एजिटेशन चलाया था, उसमें हेक्टरों जमीन दान दी जाती थी, तो भूदान जो उन्होंने चलाया था, एक अपना एक मिशन चलाया था, तो वो संभव नहीं है आप करें इस टाइप से। अगर मान लीजिए कोई लोग खड़े हों, जैसे जो जो धनपति हैं या जो भूपति हैं या जिनके पास इफरात जमीनें हैं, इस टाइप से अगर आंदोलन चलाया जाए तो क्या ये संभव नहीं? फिर गवर्नमेंट को इसको क्यों बीच में लाए, क्योंकि गवर्नमेंट को देखिए, अपने दुनिया भर के बहुत सारे काम हैं। हर चीज का समय और परिस्थिति होती है। जी आज विनोबा भावे जी का समय नहीं है। जी आज युवा पीढ़ी रोजगार भी चाहती है
और देश का कल्याण भी चाहती है। जमीन दान कोई नहीं करेगा, जमीन दान आज कोई नहीं करेगा, इसलिए सरकारों को आगे आना होगा। धर्म के नाम पे तो बहुत जमीन दान हो रही है आज भी। अब वो अलग विषय है, उस विषय पे हम नहीं कहना चाहेंगे, उस विषय को छेड़ना खतरे से खाली नहीं है। कोई ऐसी बात नहीं, हमें कोई ऐसी बात नहीं करनी। तो इसलिए मुख्य रूप से आज गवर्नमेंट को आगे आना पड़ेगा। वही समाधान आपकी नजरों में? आज का युवा देश से प्यार करता है जी, लेकिन साथ में रोजगार भी चाहता है। बिल्कुल, रोजगार क्रिएट करना पड़ेगा। देखिए आपकी बात, आप बच्चों के समझ में आए, सरकार तक पहुंचे आपकी बात, और इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मोटिवेट हो लोग। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर हेयरिंग गोपाल आजू। अच्छे लगे तो प्लीज़ गोपाल आजू मोटिवेशनल वीडियोस लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। मैं इस टाइप की यूनिक चीज़ें लाता रहता हूँ जो लोगों को मोटिवेट करे और बेटरमेंट के लिए, लाइफ मैनेजमेंट के लिए, हेल्थ मैनेजमेंट के लिए और अच्छे कामों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया हमें। थैंक यू।